दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्रा और दानापुर कैंट, ये तीनों इलाका पूरी तरह से प्रभावित था। और प्रभावित होने के कारण 7,000 से ऊपर गाड़ियां जो इस रूट में चलती है, जो दिन भर में टच करता है, उसका परिचालन बंद हुआ। ई रिक्शा ऑटो रिक्शा का ऐसी स्थिति है कि दिन भर वो परिचालन करता है तो शाम में उसके घर का चूल्हा जुड़ता है और 4 दिन से चूल्हा बंद है उसका। आपातकालीन स्थिति होती है, बड़ा आंदोलन होता है या महामारी होती है या बाढ़ हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में एक्ट कहता है कि सरकार को फीस टैक्स को माफ़ करना चाहिए। ये लेकिन ये गंगी और बहरी सरकार है, कोरोना में भी जो है कुछ नहीं सुना, ये 4 दिन आज हुआ है, कई दिन चलेगा ये कहना मुश्किल है। और डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कोई माए बाप नहीं है। हम तो पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कितना बड़ा आंदोलन हुआ, नीतीश जी किसी ट्रेड यूनियन वाले से बुला करके अपने बात नहीं किए। 10 और 11 लाख में चाय, लिट्टी, पकौड़ा, बीड़ी, सिगरेट, कहीं दुकान खुलेगा, दूसरा कोई दुकान नहीं खुल सकता है। बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आज भारत बंद है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत लगातार 4-5 दिनों से जो है ट्रेन को फूका जा रहा है, पूरे देश में जो है ट्रेन को जलाया जा रहा है। कभी बिहार बंद, 2 दिन पहले बिहार बंद था, आज जो है भारत बंद है। इस वजह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है और सबसे ज़्यादा ऑटो चालकों को भी परेशानी हो रही है। अभी हम मौजूद हैं पंडा जंक्शन में ऑटो स्टैंड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑटो लगे हुए हैं, ऑटो चालक ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनको काफ़ी परेशानी हो रही है, डर भी है कि निकलेंगे तो कहीं ना इनके ऑटो में आगजनी हो जाए। ऑटो चालक का जो है लगातार परेशानी हो रही है, जिस तरह से बिहार बंद हो गया है, आज भारत बंद है, कितना परेशानी हो रही है ऑटो चालकों को? देखिए, हम बता दें कि भारत बंद, अब बिहार बंद, आज भारत बंद है, 1 दिन पहले बिहार बंद हुआ, लेकिन ऑटो का परिचालन आज 4th दिन है कि बंद है। जिस दिन दानापुर में जो बड़ा आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन कहिए, छात्र नौजवानों के द्वारा या ग्रसित लोगों के द्वारा जो आंदोलन हुआ, उससे लगभग 7,000 ऑटो रिक्शा का परिचालन बंद रहा है। चूँकि 7,000 जो हम बताए, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्रा और दानापुर कैंट, ये तीनों इलाका पूरी तरह से प्रभावित था। और प्रभावित होने के कारण 7,000 से ऊपर गाड़ियां जो इस रूट में चलती है, जो दिन भर में टच करता है, उसका परिचालन बंद हुआ। कोई भी बड़ा आंदोलन होता है, कोई भी उग्र आंदोलन होता है, तो इस आंदोलन में सबसे हमला का शिकार होता है तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, और उस असंगठित क्षेत्र के मजदूर में ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला है। और ई रिक्शा ऑटो रिक्शा का ऐसी स्थिति है कि दिन भर वो परिचालन करता है तो शाम में उसके घर का चूल्हा जुड़ता है और 4 दिन से चूल्हा बंद है उसका। अब उसकी परिवार का क्या स्थिति है, परिवार भूखे मर रहा है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, बूढ़े माँ बाप शुगर और ब्लड प्रेशर की दवा के लिए तड़प रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सरकार, न राज्य सरकार न भारत सरकार, वो पूछने वाला नहीं। इसके अलावा और बता दें कि टैक्स हुआ, परमिट हुआ, फिटनेस फी हुआ, इसमें बेतहाशा वृद्धि हुआ है। और प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ दीजिए, चूँकि महीना में देना पड़ता है उसको, हम प्रतिदिन जोड़ दीजिए तो 4 दिन का जो है 100 रुपया से ऊपर जाता है, ये पॉकेट से देना पड़ेगा, कोई आय तो हुआ नहीं। और जब कभी जो है देश के अंदर आपातकालीन स्थिति होती है, बड़ा आंदोलन होता है या महामारी होती है या बाढ़ हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में एक्ट कहता है कि सरकार को फीस टैक्स को माफ़ करना चाहिए। ये लेकिन ये गंगी और बहरी सरकार है, कोरोना में भी जो है कुछ नहीं सुना, ये 4 दिन आज हुआ है, कई दिन चलेगा ये कहना मुश्किल है। साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि पटना शहर में, दानापुर में, खगोल में चकाचक ऑटो है, यानी CNG युक्त ऑटो चल रही है, और वो सारा का सारा फाइनेंसर से फाइनेंस करा हुआ गाड़ी है, और वो गाड़ी जो है 200 रुपया प्रतिदिन उसका जो है किस्त होता है,
तो आज चौथा दिन है, तो 800 रुपया वो किस्त में नुकसान हुआ। कोई फाइनेंसर नहीं मानेगा, कोई बैंक नहीं मानेगा। एक तारीख से लेके 5 तक डंटा के हाथे वो पैसा लेगा, वो कुछ नहीं सुनेगा। तो ये जो है सो ट्रिपल लॉस जो है ऑटो चालकों को हुआ है। अच्छा, लगातार जो है परेशानी हो रहा है, जिस तरह से परेशानी हो रही है, लगातार परेशानी हो रही है, क्या लगता है कि वो छात्र हैं? ना ना, बिल्कुल। देखिए, ये मत कहिए, हम अपना अनुभव बताते हैं। हम 45-50 साल से परिवहन आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग एक चिट्ठी देते थे, चिट्ठी पर बुलावा आता था, और वो जो है सरकार सुनती थी कि क्या परेशानी है, क्यों धरना देना चाहते हैं, क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसके बाद लालू जी का समय आया, तो लालू जी तो जैसे ही उनके कान में जाए, जहन में जाए, तुरंत हम लोगों को बुला करके और बात करते थे, और तुरंत कार्रवाई की ओर चलते थे कि नहीं, सब गरीब बुढ़वा है, और गरीब पर जो है ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बनावेगी जिस पर जो है गरीब का हमला हो। उसके बाद NDA और डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कोई माए बाप नहीं है। हम तो पूरी गारंटी के साथ कहते हैं, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, नीतीश जी किसी ट्रेड यूनियन वाले से बुला करके अपने बात नहीं किए। तो ये स्थिति है, और ये जो नया कानून बना है, नया कानून को सरकार, भारत सरकार को, चूँकि भारत सरकार आनन और फानन में अपने सहयोगी दल से भी बात नहीं किया, आनन फानन में इस कानून को लाया है। ये कानून सीधा जो है सुरक्षा, जो हमारा सुरक्षा है, देश का सुरक्षा का सवाल है, इसको जो है सीधा निजीकरण की तरफ जो है ले जाने का रास्ता क्लियर करता है। और ये ठीका और अनुबंध की बहाली है, और इस बहाली को और इस फैसला को पुनः विचार करके सरकार को वापस लेना चाहिए। और हम दूसरी से जो आंदोलनकारी साथी हमारे हैं, हमारे ही घर के भाई भतीजा है, और उनसे भी आग्रह है कि आंदोलन हो, पूरी तरह से आंदोलन हो, तब तक आंदोलन जारी रहे जब तक भारत सरकार इस कानून को वापस नहीं करता हो, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन हो। ऐसा आंदोलन नहीं हो कि आंदोलन के चलते असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ऑटो वाले लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं, वो भुखमरी के शिकार हो जाए। यह भी अपील हम आंदोलनकारी साथियों से करना चाहते हैं कि आंदोलन हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के साथ हम लोग भी हैं, हमारा बच्चा भी जो है, अब बच्चा क्या, हमारा पोता भी आने वाला समय में जो है ये इसका मार झेलेगा। और अंत में आपको बता दें, आक्रोश क्यों है? आक्रोश यह है कि सरकार का निर्णय है कि 17 से 21 ही मानिए, और सरकार समझी कि आंदोलनकारी का मांग जायज है, तो थोड़ा सा जो है उसमें सुधार किया है, 21 से 23 कर दिया, 21 से 23 किया है। अब 17 से 21 ये 4 साल में आपको नौकरी करना है, और 4 साल में आपको नौकरी करना है, उसके बाद 4 साल के बाद रिटायरमेंट है। सरकार रक्षा मंत्री का बयान है, हम बड़ी गौर से सुन रहे थे और हंसी आ रही थी कि कह रहे थे कि 10-11 लाख रुपया जो है सो हम देंगे, यानी लगता है कि इन्हीं का जमींदारी सब दिन रहेगा, हम देंगे, उससे छोटा मोटा रोजगार किया जा सकता है। यानी 10 और 11 लाख में चाय, लिट्टी, पकौड़ा, बीड़ी, सिगरेट, कहीं दुकान खुलेगा, दूसरा कोई दुकान नहीं खुल सकता है। तो जो लड़का पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, जो आगे जो है मैंने IAS IPS बनने का ख्वाब देख रहा है, उसको तो आप सुरक्षा में लटपटा करके, ऊंची शिक्षा भी वहीं रुक जाएगी। और सबसे बड़ा चीज़ जो रुकेगा, वो आप सुन लीजिए, वो क्या रुकेगा, रिटायरमेंट व्यक्ति से कोई शादी नहीं करना चाहता है, वो शादी नहीं होगी तब तक नहीं होगा जब तक दोबारा लड़का जो है कोई नौकरी नहीं ढूंढता है। तो नौकरी क्या ढूंढेगा, BJP के ही बड़े लीडर हैं RK सिन्हा जी, जिनका SIS सिक्योरिटी गार्ड चलता है, उसी गार्ड में जो है इनका तो BJP के है ही तालमेल है, उसी गार्ड का नौकरी जब करेगा तब शायद धोखा से उस लड़का को शादी होगा, नहीं तो शादी भी नहीं होगी। इसलिए घबराहट है लड़का को
घबराहट है कि हमारा शिक्षा भी रुक जाएगा और सही से जो है नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है आंदोलन के तरफ है समझे, और यही जो है घबराहट है। राजकुमार झा, महासचिव ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से उग्र आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑटो चालक को काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी इस वजह से हो रही है ताकि इनके घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, चार वक्त दो वक्त तीन वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है जिस तरह से, और इनको हर महीना में जो हर महीना पैसा देना पड़ता है वो भी देना पड़ेगा। साफ तौर पर इनका यह भी कहना है कि जिस तरह से उग्र आंदोलन हो रहा है, इनका ये भी अपील है कि उग्र आंदोलन ना करें, आंदोलन करें मगर उग्र आंदोलन ना करें। यह भी साथ में इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर वो छात्र जो हैं चार साल करते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, किसी सिक्योरिटी गार्ड कहीं नौकरी करेंगे, फिर उनको बाद में शादी में दिक्कत होगी, इनका यही कहना है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।